अब देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? सिंपली हम बोल सकते हैं कि एक मेमोरी लोकेशन होता है, और मेमोरी लोकेशन हमें ज़्यादा बोलना इसलिए अप्रोप्रिएट होता है क्योंकि हम जो भी वैल्यू को स्टोर करते हैं, हमारा जो सी, हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये डायरेक्ट हमारा जो मेमोरीज मेमोरी जो है उससे इंटरेक्ट करता है। तो जो भी हम वैल्यू हमें असाइन करना होगा ना, तो उस वक्त जो है जब हम वैल्यू असाइन करेंगे तो वो क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन पे हमारा जो वैल्यू है वो स्टोर करते हैं। तो अब यहाँ पे एक जैसे सिंपली जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिया, तो यहाँ पे ए लिया, इसका जैसे सपोज़ कि एक जो मेमोरी एड्रेस उस टाइम जब रन किया प्रोग्राम तो 4040 है, उसमें वैल्यू हमारा 5 असाइन है। तो डायरेक्ट हम इस मेमोरी एक्स को एक्सेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। तो उससे जो एसोसिएटेड जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, तो उसके थ्रू हम उस लोकेशन को क्या होता है, एक्सेस करते हैं। तो सिंपली अगर हम ये बोलते हैं कि अ वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन या पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन, तो कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसको, अब जो दो चीज़ें आती हैं इम्पॉर्टेंट वाली है, ये क्या कि एक है डिक्लेरेशन और सेकेंड है इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन क्या है, ताकि जब भी हमें कोई भी वेरिएबल अगर हमें यूज़ करना है तो उसको सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना मस्ट है, और इनिशियलाइजेशन मतलब उसमें हम कुछ वैल्यू शुरू शुरू में ही दे दें। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसके मतलब सिंटैक्स बोल सकते हैं कि क्या है डेटा उसको डिक्लेयर करने का। तो सबसे पहले होता है हमारा डेटा टाइप, सॉरी, एंड उसके बाद जो होता है हमारा आइडेंटिफायर। तो डेटा टाइप में हमारा जैसे इंटीजर हो गया, और ये ए जो है हमारा आइडेंटिफायर हो गया। उसी तरीके से इंटीजर हो गया डेटा टाइप, और बी क्या हो गया, जैसे आइडेंटिफायर हो गया, कैरेक्टर टाइप का सी ए ले लिया। उसी तरीके का अगर हमने यहाँ पे एक फ्लोट ले लिया, एफ ले लिया, तो ये जो हो गया हमारा फ्लोट टाइप का एक डिक्लेरेशन हो गया। तो ये तो सिंगल हो गया, हम कंपाउंड डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीजर ए बी सी। तो एक ही बार में हमने तीन जो है वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए। उसी तरीके से यहाँ पे फ्लोट सी डी यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे सी है तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। अगर एक प्रोग्राम की बात करें, यहाँ पे तो एग्जाम्पल है, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर सेम नेम का हम दो जगह हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, इवन कि हमारा इंटीजर ए ए भी नहीं कर सकते, इंटीजर फ्लोट तो अलग बात है, हम एक जगह मतलब सेम जो वेरिएबल का है हम दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अब तो ये सबसे पहले बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी हमें वैल्यू यू वेरिएबल यूज़ करना है तो उससे पहले हमें डिक्लेयर करना मस्ट है। अब क्या है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि जब हम वैल्यू को मतलब जब डिक्लेयर करें उसी वक्त हमने उसको कुछ वैल्यू दे दिया, तो वो हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट ए इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया, हमने डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी कर दिया। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे कैर एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये भी इनिशियलाइजेशन हो गया। यहाँ पे फ्लोट एफ इज इक्वल टू 8.534, तो ये हमारा फ्लोट जो है उसका वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो अब ये तो हो गया हमारा मतलब सिंपल, अगर हम चाहें तो कंपाउंड डिक्लेरेशन भी इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे इंट ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 3 एंड 3 सी इज इक्वल टू 4 सेमीकॉलन। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि इनिशियलाइजेशन हो गया, और इसके पहले जो हमने देखा डिक्लेरेशन। तो ये हमें कोई वेरिएबल यूज़ करने से पहले करना मस्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्रेशंस।